अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानी सलीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम शबीर। दोस्तों, जैसे कि हम बांग्लादेश के टॉप 10 सिटीज पर रिएक्शन दे चुके हैं और काफी ज्यादा 10 के 10 खूबसूरत शहर है और उसमें एक हमने रिएक्शन दिया था टॉप ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में भी, तो उसमें हमें एक वाटरफॉल नजर आया था, हम वाटरफॉल, तो वो हमें काफी पसंद आया था। और आज हम एक और ऐसी वाटरफॉल के हवाले से वीडियो लाए हैं, टॉप 10 वाटरफॉल इन बांग्लादेश। तो अब देखते हैं कि इनमें हम वाटरफॉल का नाम आता है कि नहीं, तो और भी पता चलेगा मजीद जो और कई जो टॉप 10 जो किए गए हैं पूरे मुल्क में से, तो कौन कौन से ऐसे वाटरफॉल हैं जो काफी खूबसूरत हैं, वीडियो है या पिक्स है, तो ये पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वाटरफॉल को शामिल किया गया है और कौन कौन से अगर रह गए तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में कि इनमें से ये रह गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर इस पर आपको रिव्यू देते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच रहे। Thank you.
ज़्यादा इसने जो 10 के 10 वाटरफॉल दिखाए हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऊंचाई से गिर रहे हैं। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा हमें जो शहरों के नहीं नाम पता थे आप पता चल रहे हैं इसके जरिए जी कि किन बिल्कुल किन शहरों में है, और हो सकता है इनमें से कोई विलेजेस भी हो। जी, स्टेट भी हो हाँ, ये भी हो सकता सकता है। है तो ज़्यादातर तीन मेरे ख्याल में शैलेट में आते हैं, जी बिल्कुल। तो इसके बारे में तो हम रिएक्शन दे चुके हैं, शहर के बारे में देख भी चुके हैं। और जब शेयर पर हम रिएक्शन दिया तो ये उसमें नहीं नाम लिया गया था वाटरफॉल का। हाँ, ये यार ये हो सकता है ना कि एक तरफ हट के वो पहाड़ी जी पहाड़ हो साथ में हो सकता तो है उसमें बिल्कुल। हो सकता है। तो दूसरा यार मुझे तो काफ़ी वो पसंद आया है, एंड वाला काफ़ी पसंद आया है, जी बिल्कुल, पंग वो तो माई, जी वो काफी ज्यादा गिर तो थोड़ा थोड़ा पानी रहा था लेकिन लेकिन आगे से उसकी काफ़ी खुली जगह थी ना, जी जिसकी वजह जी से वहाँ पर कश्तियाँ भी वो चला रहे थे उसमें। बिल्कुल, उधर लोग एंजॉय कर रहे हाँ, थे काफ़ी काफी ज़्यादा, ज्यादा। तो इस हिसाब से वो काफ़ी खूबसूरत भी था, जी और बिल्कुल दूसरा धूप पानी वाला भी काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा था। जी, और वो वाकई धूप पानी वाला हाँ, था उसका नाम काफ़ी मैच जी। करके रखा हुआ है। तो तुम्हें कौन सा यार पसंद आया? मुझे तो एक नाफाकुम पसंद आया काफी ज्यादा, वो भी खूबसूरत था। पानी तो थोड़ा थोड़ा था सा लेकिन काफी ज्यादा उधर आवाम गई हुई थी घूमने फिरने के लिए, तो मुझे तो नाफाकुम पसंद आया, वो काफी ज्यादा खूबसूरत था। और वो अच्छा, हाँ वो बंदरबान, भी अच्छा था काफी। बंदरबान शहर था उसमें मौजूद था। बंदरबान शहर है या कुछ गांव है या हाँ, स्टेट ये है तो फिर अगर हमें रिएक्शन देंगे उस पर पता बिल्कुल, ये चलेगा। हमें नहीं था कि बंदरबान कौन सी चीज है, शहर है या गांव है, क्योंकि हमने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। पिछली दफा हमने टॉप 10 सिटी पर रिएक्शन दिया था तो इसमें मौजूद उसमें मौजूद नहीं था इसका नाम, तो हमें हमें आज पता चल गया है कि बंदरबान भी एक शहर है। तो और भी कई ऐसे हैं जिनके इलाके काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे वाटरफॉल के जी हवाले से। काफ़ी एक था जिसमें वो रेनबो पड़ रही थी, जी वो काफ़ी बिल्कुल खूबसूरत लग रहा था उसमें, बिल्कुल तो वहाँ भी काफ़ी लोग थे। हाँ, जी। और एक तनाव सितार था जो, ये फर्स्ट वो भी वाला, काफी ज्यादा खूबसूरत था, वो भी बंदरबान शहर में मौजूद था। गालबन 2-3 बंदरबान शहर में मौजूद हाँ, थे, दो दो तीन तीन शैलेट शहर में में हैं जिनके मौजूद बारे थे में हम जानते हैं, जी बिल्कुल और मुख्तलिफ ये इलाकों से भी हैं। जी, तो हमें तो ये काफ़ी सारे 10 के 10 काफ़ी खूबसूरत लगे खूबसूरत हैं लगे वाटरफॉल, बिल्कुल और कुछ में थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, लेकिन फिर भी वाटरफॉल तो है ना काफ़ी जी। अच्छे वो आगे और से। काफी ज्यादा लोग उधर हाँ एंजॉय कर रहे थे, पिक्स वगैरह खींच रहे हाँ थे गर्मियों का मौसम होगा जी तो तब भी इतना एंजॉय किया जा रहा था, लोग गए हुए थे। तो जी दोस्तों, हमें तो ये सब के सब काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।